हेलो एवरीवन, मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बना रहे हैं गोभी की पकौड़ी, बिल्कुल मार्केट जैसी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। उसके लिए सामग्री सुन लीजिए फ्रेंड्स। मैंने लिया लगभग 250 ग्राम छोटी गोभी थी, जिसे धोकर कट कर लिया है। एक गिलास गर्म पानी, हल्का गर्म, एक चम्मच नमक, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच मिर्ची, एक चुटकी बेकिंग सोडा, एक चम्मच चाट मसाला और 5 चम्मच बेसन। मैं आपको चम्मच दिखा देती हूँ जिसे मैंने मेजरमेंट के लिए लिया था। मैंने इस चम्मच से 5 चम्मच बेसन लिया है। सबसे पहले बेसन में सभी मसाले डाल लेंगे और बेसन का एक गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लेंगे। देखिए सभी मसाले, सिर्फ चाट मसाला हमने 1 चम्मच लिया है, उसमें से आधा यूज करेंगे, आधा बचा लेंगे, बाकी सभी मसाले बेसन में डाल देंगे। सभी मसाले मिक्स करने के बाद पानी थोड़ा थोड़ा डालना है, जो गर्म पानी लिया है हल्का, थोड़ा फेंटते हुए गाढ़ा पेस्ट बनाना है बेसन का। देखिए बेसन को इतना गाढ़ा पेस्ट बनाना है, जिसके लिए लगभग 1.5 गिलास पानी यूज किया है मैंने। जो भी गोभी के पीस कट किए थे उन्हें सबको इसमें एक साथ डालेंगे। आप चाहें तो एक एक डिप करके भी यूज कर सकते हैं, मैं सब एक साथ डाल रही हूँ। इन्हें अच्छे से बेसन में डिप कर ले, बेसन चारों तरफ कोटेड हो जाए जब गोभी पर, तब इन्हें फ्राई करना है। देखिए सभी को अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने बेसन में, और ऑयल मैंने थोड़ी देर पहले ही ऑन कर दिया था। गैस तेज फ्लेम रखी हुई है, जब ऑयल तेज गर्म हो जाए तब फ्लेम आप मीडियम कर सकते हैं। फूल आपको गोभी का एक एक ही उठाकर डालना है। देखिए ऐसे, अगर आपको खूबसूरत बनानी है इकट्ठी अलग अलग फूल शेप की। इन्हें हम 2 बार फ्राई करेंगे, इसलिए देखिए जब ये ऐसी हो जाए हल्की सी तभी निकाल लें, बिल्कुल हल्की। इसी तरह सारी एक एक बार फ्राई कर लेते हैं। देखिए जब आप गोभी डालें तो उस पर बेसन इतना कड़ा होना चाहिए उसका पेस्ट, कि वो ऐसे ज्यादा टपके नहीं। अगर पेस्ट ज्यादा पतला होगा तो पकौड़ी, गोभी की पकौड़ी पर कोटिंग अच्छी नहीं होगी और वो क्रिस्पी नहीं बनेगी, इसलिए बेसन को का पेस्ट जो है हमने गाढ़ा रखा हुआ है। आप देख सकते हैं वो ज्यादा टपक नहीं रहा है गोभी के ऊपर से। अगर बाय चांस पतला हो जाए तो आप उसमें और बेसन मिला लें। देखिए ये सभी तैयार हो गई है, लास्ट वाली है ये भी हो गई है। अब इन्हें थोड़ा सा ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद इन्हें हल्का सा हाथ से दबाकर दोबारा फ्राई करेंगे। दिख रहा, देखिए पकौड़ी ठंडी हो गई है। अब इन्हें हाथ से ऐसे दबाना है, मैं दिखा देती हूँ आपको।
थोड़ा सा ऐसे हम दबा इसलिए रहे हैं, अगर ऐसे दोबारा फ्राई करते हैं इससे गोभी अंदर तक पक जाती है और कच्ची नहीं रहती पकौड़ी। इस तरह सभी हाथ से दबाकर, ये देखिए देखिए जैसे इसमें आपको दिखा सकती हूँ, देखिए मैं आपको इसलिए भी दिखा रही हूँ जैसे मैंने ये पकौड़ी दबाई इसमें हल्का सा बेसन बाहर आ गया, कच्चा बेसन है। अब जब हम इसे दोबारा फ्राई करेंगे तो ये अंदर तक पक जाएगा गोभी भी और बेसन भी, इससे बहुत ही क्रिस्पी पकौड़ी बनेगी बिल्कुल मार्केट जैसी। इसी तरह सभी पकौड़ी आप गरम भी दबाकर तुरंत बना चाहे कर सकते हैं, मैं थोड़ा ठंडा होने का वेट करके कर रही हूँ क्योंकि उसे थोड़ा गर्म लगता है हाथों में, हल्का हल्का सा प्रेस करें। फ्लेम मैंने हाई रखी हुई है इस वक्त, पहले हाई रखेंगे फिर बीच में मीडियम कर लेंगे। सभी पकौड़ी को प्रेस कर लिया है हमने, अभी इन्हें डालते हैं। अब आप एक साथ भी डाल सकते हैं, थोड़ा ही लाइन नहीं डालने के बाद थोड़ा एडजस्ट हो जाएंगे अपने आप। ये देखिए अंदर तक से पकने लगती हैं गोभी भी, और जो बेसन रह जाए थोड़ा बहुत वो भी, इसे क्रिस्पी बनती है बहुत ही ज्यादा। हल्की गोल्डन होने तक हमें इन्हें फ्राई करना है। ये देखिए ये देखिए ये गोल्डन हो गई है, गोभी भी अंदर तक पक गई है। इस वाली पकौड़ी को निकाल, देखिए फ्रेंड्स गोल्डन हो गई है। अब इन्हें धीरे धीरे करके निकाल लेते हैं, देख सकते हैं मैं आपको दिखा भी हूँ। ये देखिए गोभी अंदर तक पक चुकी है, ऐसे ही सब निकाल लेंगे। गैस मैंने अभी ऑफ नहीं किया है क्योंकि जो थोड़ी बहुत हल्की हुई है, जब तक मैं ये निकाल रही हूँ वो भी फ्राई हो जाएंगी अच्छे से। ये इतनी क्रिस्पी है इसकी आप आवाज भी सुन सकते हैं, देखिए बिल्कुल। गैस ऑफ कर देती हूँ, अंदर की गोभी देखिए ब्राउन हो चुकी है, ये आपको दिखाई दे रही है क्योंकि गोभी भी अंदर तक अच्छे से फ्राई हो गई है। सभी गोभी की पकौड़ी तैयार हो गई है। और जो हमने चाट मसाला बचाया था वो ऊपर से इस पर डालेंगे। चलिए जो चाट मसाला हमने थोड़ा बचाया था वो ऊपर से ऐसे डाल लेंगे। देखिए मैं आपको इनको दिखा देती हूँ कितनी क्रिस्पी है, गोभी अंदर तक पक चुकी है सभी में। देखिए सभी पे चाट मसाला डाल दिया है, गरम है क्रिस्पी है, ये देखिए अंदर तक पक चुकी है। जिस भी चीज के साथ चाहे, हरी चटनी के साथ, सॉस के साथ, उसके साथ खाइए और बनाइए। सर्दी का मौसम है, सर्दी में हर तरह के पकौड़ी अच्छे लगते हैं और गोभी तो के तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।